चैट जीपीटी के बारे में हम सब ने सुना और इसका इस्तेमाल भी किया होगा। ये चैट जीपीटी कुछ नहीं बल्कि एआई से चलने वाला एक सॉफ्टवेयर है। आज पूरी दुनिया में एआई की बात हो रही है। आखिर क्या है ये एआई? इसकी शुरुआत कहां से हुई? क्यों ये इतनी तेजी से फैल रहा है? आखिर क्या है इसके नेगेटिव इम्पैक्ट? आइए जानते हैं इस एआई के बारे में। एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, ये एक ऐसा सॉफ्टवेयर है जिसे किसी मशीन में इंस्टॉल करके उसे समझने के काबिल बना देती है। जैसे कि कोई इंसान सोचता है, अगर साफ शब्दों में कहे तो ये एक रोबोट का दिमाग है। ये एआई 1950 में इन्वेंट किया गया था ताकि हम अपना काम खुद ना करके इन मशीनों से करा सके और जो हम बोले मशीन वो कर सके। अगर हम इंसान की बात करें तो हम 4-5 घंटे ही काम कर सकते हैं, लेकिन वही काम एआई बिना रुके पूरे दिन कर सकता है। इंसानों से काफ़ी गलतियां भी होती हैं जिसे हम ह्यूमन एरर भी कहते हैं, लेकिन एआई वो गलतियां नहीं करता क्योंकि ये सॉफ्टवेयर उसी काम को करने के लिए स्पेशली डिज़ाइन किया जाता है। एआई की रिस्क टेकिंग एबिलिटी इंसानों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा होती है क्योंकि जिन रिस्क को लेने से इंसान डरता है वो रिस्क एक रोबोट ले तो हमें कोई खतरा नहीं होगा। जैसे कि बॉम्ब डिफ्यूज करना, किसी प्लेनेट पर रिसर्च करना और भी ऐसे कई सारी चीज़ें। इस मॉडर्न वर्ल्ड में हम सब ने स्मार्ट टीवी, स्मार्टफोन, स्मार्ट वॉचेस जैसी चीज़ें इस्तेमाल करी होगी। इसमें पहले से ही एक एआई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल होता है जिसे हम सब बिना टाइप किए कुछ भी सर्च कर सकते हैं, जैसे कि ओके गूगल, हे एलेक्सा, हे सीरी। ये एआई टूल्स हमारी आवाज़ सुन के वो काम करते हैं जो हम इनसे करवाना चाहते हैं, चाहे हमें आज के डे के बारे में पता करना हो या फिर कोई चीज़ पूछनी हो। आज एआई को हर सेक्टर में डेवलप किया जा रहा है, मेडिकल से लेकर बिजनेस, स्कूल, बैंक्स और बाकी जगह भी। इन एआई से हमें काफ़ी हेल्प होती है। कॉम्प्लेक्स से कॉम्प्लेक्स चीज़ें ये एआई तुरंत कर सकता है, लेकिन एआई जैसे जैसे अपडेट हो रहा है हमें अपने पुराने सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को अपडेट करना पड़ रहा है, इसमें काफ़ी खर्चा आता है। शायद हमें ये एआई काफ़ी अच्छा लग रहा होगा क्योंकि ये हमारे ज़्यादातर काम मिनटों में कर देता है। इस एआई से ज़रूर हमारे काम जल्दी और आसानी से हो जाते हैं, पर क्या ये हमारे लिए सही है? एक सर्वे से पता चला है कि एआई से हम लोग लेजी होते जा रहे हैं। अगर हमें कोई ऐसे भी लिखना होता था तो हम उसके बारे में काफ़ी चीज़ें सोचते थे, लेकिन अब एक कमांड के थ्रू पूरा ऐसे 2 मिनट के अंदर ही हमारे पास होता है। जैसे हम अपना ऐसे 2 मिनट में लिखवा सकते हैं, वैसे ही एआई और रोबोट कुछ ऐसे काम भी कर सकते हैं जो इंसान को करने में 5 घंटे लगते हैं। और सभी कंपनीज अपना प्रॉफिट बढ़ाने के लिए काम को जल्दी से जल्दी कंप्लीट करना चाहती हैं, जिसके लिए कंपनी मिनिमम क्वालिफाइड एम्प्लॉय की जगह एआई और रोबोट को हायर कर रही है, जिस कारण लोगों में बेरोजगारी बढ़ रही है और शायद आने वाले कुछ सालों में लोगों के पास जॉब ना रहे। आइंस्टीन जैसे महान साइंटिस्ट को हम सब जानते हैं, क्या एआई उनकी जगह ले सकता है? माना एआई हमारे काम को जल्दी कर सकता है, लेकिन वो एक इंसान की तरह आउट ऑफ द बॉक्स नहीं सोच सकता। उस एआई और रोबोट को सिर्फ स्पेसिफिक काम के लिए ही डिज़ाइन किया गया होगा, लेकिन वो एक इंसान के इमेजिनेशन जितना नहीं सोच सकता। मैं बस यही कहना चाहूँगा कि अगर एआई हमारे टेक्नोलॉजी के लिए अच्छा है तो इसके काफ़ी नुकसान भी हैं। हमें एआई को डिज़ाइन करते वक्त कुछ ऐसी बातों का ध्यान रखना होगा कि ये एआई और रोबोट्स आने वाले टाइम पर हम पर हावी ना हो जाए, और हमें इस बात का भी ध्यान रखना होगा कि ये एआई किसी गलत इंसान के हाथ ना लग जाए, वरना उससे काफ़ी बर्बादी हो सकती है। एआई को इतना ज़्यादा कैपेबल भी ना बना दिया जाए कि ये पूरे इंसान जाति को ही गुलाम बना ले। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो भी बेहद पसंद आई होगी। ऐसी और वीडियोस के लिए हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।